सिवान के जीबीनगर थाना क्षेत्र कर्णपुरा पंचायत के चाचो पाली नौका टोला में आज महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और गोरिया कोठी के विधायक देवकांत सिंह कर्णपुरा पंचायत के नौका टोला पहुंचकर नौका टोला के पूर्व मुखिया स्वर्ग शिव कुमार सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही शिव कुमार सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी को स्वर्ग शिव कुमार सिंह जी बहुत ही अच्छे और सामाजिक व्यक्ति थे, हम सभी को इनसे सीख लेने की जरूरत है। वहीं गोरियाकोटी विधायक देवकांत सिंह ने भी स्वर्ग शिव कुमार सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम सबको स्वर्ग शिव कुमार सिंह जी की तरह अपने जीवन को बनाना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। वहीं कर्णपुरा के भावी मुखिया प्रत्याशी धनंजय कुमार सिंह से सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। इस मौके पर समाज सेवी मुजफ्फर इमाम, धनंजय कुमार सिंह, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, रंजय कुमार सिंह सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे सर आज के मौके पर? देखिए, आज समाज उसी की पुण्यतिथि मनाता है जो समाज में एक ऐसे पथ का प्रदर्शक बन के गया है जिसे समाज एक अग्रसर विकास की तरफ या समाज के व्यवहारिकता में विकासात्मक रूप की तरफ बढ़े उसके अनुरूप उन्होंने काम किया। उनके काम का असर यह था कि उनकी पत्नी उनके काम के बदौलत इस पंचायत में, जब पंचायती राज में आरक्षण महिला के लिए हो गया तो उनके काम के आदर्श के रूप में उनकी पत्नी को लोगों ने मुखिया चुन लिया। यह सबसे बड़ा उनके किए गए कार्यों का प्रतिफल समाज ने उनको दिया। आज दुर्भाग्य है कि वह हमारे बीच नहीं है, हम उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं उनके विशेष रूप से उनके पिता माता को तो धन्यवाद सबका है कि जिन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किया, लेकिन उनके जो पुत्र लोग हैं जो उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जो उनके इलाज के क्रम में जिन्होंने इलाज करना ही सीख लिया और आज किडनी फेलियर की तरफ बढ़े से मरे, और उसके लिए भी इनके परिवार ने उस तरह का सेंटर डेवलप किया, वह उनके बताए गए मार्ग का सब उदाहरण है कि वो अनुसरण कर रहे हैं। मैं उनके पुत्रों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और अपने परिवार के अच्छे कामों के प्रति वह जागरूकता बनाए रखे हैं, समाज में यह जागरूकता बनी रहे, और श्री कुमार बाबू के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए हम यह चाहेंगे कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं और उनके अनुकूल काम करें जो इनकी इच्छा थी, यही कहकर मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस पुण्यतिथि के मौके पर? देखिए, पूज्य शिव कुमार बाबू का यह तीसरा पुण्यतिथि है और शिव कुमार सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा। मैं आज के अवसर पर सबसे पहले शिव कुमार बाबू के चरणों में नमन करता हूं और शिव कुमार बाबू जिस तरीके से समाज की सेवा करते थे, जिस तरीका समाज में उनकी एक पहचान थी वह अनुकरणीय थी। हम जब भी किसी का पुण्यतिथि या किसी का जन्मतिथि मनाते हैं तो समाज अनुकरण करे, उसका यह संदेश भी हम देते हैं। और मैं कहूँगा कि शिव कुमार बाबू एक संदेश देने वाले व्यक्ति थे, एक अनुकरण उनके जीवन का आज का समाज करे, आज की पीढ़ी करे, वो ऐसे व्यक्ति थे। आज हमें उनके इस पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ, उनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ कि शिव कुमार बाबू जैसे सुपुत्र को उन्होंने जन्म दिया था और समाज में जिन्होंने एक मैसेज दिया। मैं समाज को भी कहूँगा कि समाज भी अच्छे से अच्छे काम के लिए अपने को पहचान बनाने का काम करे, समाज भी अपने अंदर वह भाव रखे कि उन्हें भी जाना जा सके। हम यहाँ आए हैं तो सबको जाना है, यह मृतलोक है, लेकिन जब हम जाएं तो लोगों को आपके प्रति श्रद्धा का जो भाव है वह एक अटूट भाव आपके साथ आपके किए हुए कार्यों की वजह से बरकरार रहे। क्योंकि आप जब समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, समाज में आपकी अच्छाई जब रहती है, समाज में आपकी एक अच्छा का पहचान रहता है तो समाज उसे सत सत नमन करते रहता है। मैं उनके परिजनों को, उनके
सुपुत्रों को उनके इस गांव के जो लोग हैं, शिव कुमार बाबू जो ट्रस्ट बना करके उनके पुण्यतिथि या जन्मतिथि मना रहे हैं, उन लोगों को भी मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। यह संदेश अन्य जगहों पर जाए, जो भी समाज के अग्रणी लोग हों उनके ऐसी प्रतिमाएं लगा करके और उनके अनुकरण करने के लायक समाज बने, आज की पीढ़ी बने, यह संदेश हमें देने की आज आवश्यकता है। यह एक सबसे बड़ी बात है, इस चीज को हमें सबको नमन करना चाहिए। मैं आज के अवसर पर मैं पुनः उनको नमन करता हूँ और यह संदेश नीचे तक जाए, अच्छे कामों के भाव में जाए। हमें जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम कृषक हैं, हम व्यवसायी हैं, हम छोटे और बड़े का भाव न रख कर करके हम समाज में सेवा करने का काम कर रहे हैं, हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज के सेवा करने का काम कर रहे हैं, तो यह संदेश देने के लायक अपने व्यक्तित्व को बनाए हम, यह हमें अपने अंदर वह मर्यादा को और भाव को स्थापित करना चाहिए। मैं पुनः शिव कुमार बाबू को नमन करता हूँ, उनके शिव कुमार बाबू ट्रस्ट जो बना है, उन लोगों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ।